सवेरे खाली पेट ए चाह पी लो, तुहाड़ियां बहुत सारियां बीमारियां ठीक हो जाणगियां। खासकर इस गर्मी दे मौसम विच ए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जे तुहाड़े शरीर अंदर बुरा कोलेस्ट्रोल वध गया है, हाई ब्लड प्रेशर दी समस्या है, नसां कमजोर हो गईयां हन जां फिर नसां विच ब्लॉकेज है, जे तुहाड़े शरीर विच कैल्शियम दी कमी हो गई है, हड्डियां कमजोर हो गईयां हन अते हड्डियां विच दर्द हुंदा है, गोड्यां विच जां फिर कमर विच दर्द हुंदा है, डायबिटीज दी समस्या है, थायराइड दी समस्या है, पेट विच जलन हुंदी है, गैस एसिडिटी दी समस्या है जां फिर हत्थां पैरां विच जलन हुंदी है, तां इह नुस्खा तुहाडे लई बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इस नुस्खे दे सेवन नाल तुहाडियां इह सब समस्यावां बिल्कुल ठीक हो जाणगियां। इस दे नाल नाल इह नुस्खा साडे शरीर नूं डिटॉक्स करदा है, जिस नाल शरीर दी सारी गंदगी बाहर निकल जांदी है। हुण तुहानूं दसदे हां इह नुस्खा अपनाउणा किस तरह है अते लैणा किस तरह है। इस तो पहला जे तुसी साडा फेसबुक अते यूट्यूब चैनल सेहत पंजाब हेल्थ सबसक्राइब नहीं कीता तां कर लो। दोस्तों इस नुस्खे लई जो सानू चाहिए हन ओ है धनिए दे बीज। दोस्तों धनिए दे बीजां विच कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन, मैगनीशियम अते बहुत सारे पोषक तत्त भरपूर मात्रा विच हुंदे हन जो साडे शरीर दीआं बहुत सारीआं बीमारीआं नूं दूर करदे हन। चलो हुण तुहानूं दसदे हां इस दा इस्तेमाल किस तरह करना है अते इस दे की फायदे हन। दोस्तों इस दे लई एक चमच धनिए दे बीज एक गिलास पानी विच रात नूं भिओं के रखो अते सवेरे इस पानी नूं उबाल लो अते चाह दी तरह पी लो। दोस्तों इस पानी नाल शरीर दा बुरा कोलेस्ट्रोल बाहर निकल जांदा है, नसां विच ब्लॉकेज है अते गंदगी जमा हो गई है तां ओह वी बाहर निकल जांदी है। दोस्तों जे तुहाडा ब्लड प्रेशर वधदा है, दिल दी कोई भी समस्या है तां इस पानी दा इस्तेमाल जरूर करो, क्योंकि इस विच पोटैशियम भरपूर मात्रा विच हुंदा है जो साडे दिल नूं तंदुरुस्त रखदा है अते ब्लड प्रेशर नूं कंट्रोल करदा है। इस तों इलावा जे तुहाडियां मांसपेशियां विच दर्द हुंदा है जां फिर पिंडलियां च दर्द हुंदा है तां इस विच पाए जाण वाला मैगनीशियम मांसपेशियां नूं मजबूत करदा है, जिस नाल इह दर्द बहुत जल्द ठीक हो जांदा है। जिन्हां लोकां नूं खून दी कमी रहिंदी है तां ओह लोक भी इस पानी दा सेवन जरूर करन, क्योंकि इस विच आयरन हुंदा है जो साडे शरीर विच खून नूं वधाउंदा है। जे तुहानूं डायबिटीज दी समस्या है जां फिर थायराइड दी समस्या है तां उहनां लई भी इह पानी इक दवाई दी तरां कम करदा है। इस नाल डायबिटीज अते थायराइड कंट्रोल हो जांदा है। इस तों इलावा इस पानी दे बहुत सारे फायदे हन। जे तुहाडियां अक्खां दी निगाह घट गई है तां फिर भी इह पानी तुहाडे लई बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जे तुहाडियां अक्खां दी निगाह बहुत ज्यादा घटी हुई है तां इस पानी दे नाल नाल इक होर नुस्खा लो। 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम सुक्का धनिया, 50 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम मिश्री, इन्हां सारियां चीजां नूं पीस के पाउडर बना लो अते रात नूं सौण तों पहलां एक चमच पाउडर दुध नाल लो। लगातार एक महीना इस नूं लै के देखो, तुहाडियां अक्खां दी निगाह तेज हो जाएगी। इस तों इलावा तुहाडे पेट विच जलन हुंदी है, हत्थां पैरां विच जलन हुंदी है, शरीर विच गर्मी वध गई है, गैस एसिडिटी अते खट्टे डकार आउंदे हन, तां लगातार 10 दिन इस पानी विच मिश्री मिला के लो। तुहाडियां इह सब समस्यावां बिल्कुल ठीक हो जाणगियां। दोस्तों जे तुहाडे शरीर विच पित्त बहुत ज्यादा वधदा है अते गर्मी बहुत ज्यादा लगदी है तां इह पानी तुहाडे लई बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों इह सी धनिए दे पानी दे फायदे। उम्मीद है इह जानकारी तुहाडे लई फायदेमंद होवेगी। वीडियो देखण लई धन्नवाद।